गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, और कैसे हो आप सब लोग। तो आज का जो ये व्लॉग होने वाला है, मेरे को नहीं पता कि किस चीज के लिए होने वाला है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं सोच रहा हूँ अपने जो है वो ब्लैक टायर को धुलवा देते हैं, क्योंकि देखो बहुत गंदी हो चुके हैं ये अभी। और इसको निकलवाऊं कि नहीं, मेरे को वो तो मिला ही नहीं नंबर प्लेट। तो अभी जो है फोन लगा के बात करेंगे, नंबर प्लेट आया है कि नहीं। नंबर प्लेट आ गया हो तो इसके लिए जाके नंबर प्लेट पहले लेंगे और नंबर प्लेट लगाएंगे इसके लिए, क्योंकि नंबर प्लेट के बिना बहुत बेकार लग रहा है गाड़ी। और अभी धुलवाएंगे और देखते हैं कि कैसे होता है। ये है देख लो, अभी जो है ये धोया नहीं है, उससे पहले का लुक है। देखो पूरा मैं आपको दिखाता हूं, और धोने के बाद जो है कैसा लगेगा मैं आपको वो बताऊंगा। देखो कैसा लुक है इसके धोने से पहले का, देख लो पूरा यहाँ पूरा गंदा है लॉय, पूरा चैन वगैरह पूरा यहाँ पूरा गंदा है। ये देखो पूरा, देखो गंदी लगी यहाँ पे। तो मैं PPF करवाया हूँ, तो मतलब ये डेंट उठ नहीं पड़ेगा ऐसे तो बोले हैं। और बाकी आप देख सकते हो कैसा है। बाजू से रोड है तो आवाज़ आती रहती है बच्चे लोग के जाने आने की, लेकिन देखो बहुत प्यारा लगता है गाड़ी हम लोग ऐसे। तो अभी देखते हैं इसको धुलवाते हैं और फिर ये कैसा लगता है। तो अभी चलते हैं इसको धुलवाने के लिए, पहले धुलवा ही देते हैं फिर ये ब्लॉग को और क्या करना है वो देखेंगे। तो यार यहाँ मैं आया हूँ बाइक धुलवाने, अपना क्या नाम है उसका यार, हीरो शोरूम के पास ही है जस्ट। और यहाँ पर अपना बाइक धुलवाने के लिए रखवाया हूँ, जो भाई जो है इसको धोएगा। देख सकते हो पूरा गंदा हो चुका है, पीछे का अलॉय व्हील पूरा चैन वगैरह पूरा। तो उसको अच्छे से अभी धुलवाएंगे, तो भाई जो है अंदर से धोएगा इधर से अभी उधर पे। पूरा अच्छे से धोने के बाद जो है दिखाता हूँ कि कैसे लगेगा। तो प्रोसेस भी थोड़ा बहुत दिखा दूंगा इसको धुलने का। तब तक अभी हम लोग कुछ पार्ट्स लेने जा रहे हैं इस बाइक के लिए, और आपको ज़रूर दिखाऊंगा। देख सकते हो ये भाई अभी इसको पूरा चकाचक क्लीन करेंगे। अभी ये प्रेशर वगैरह पड़ेगा तो यहाँ पर बैठ के मैं आपको पूरा दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं भाई। मटके में कैरी बनाटी का अच्छे से फुल प्रेशर है देखो उसमें। तो यहाँ पर अपनी बाइक धुल रही है, तो अपन तब तक आगे से आते धो दे भाई अच्छे से। चलो उधर से आते हैं, वहाँ पर आगे एक दुकान है, वहाँ पर कुछ पास वगैरह खरीदते हैं खाते हैं, फिर आते हैं। तब तक देखते हैं कि गाड़ी धुलती है कि नहीं। चलो तब तक वहाँ से यहाँ तक आते हैं, एक दो मिनट लगेगा हमको भी। The next day. तो अभी देखो मस्त धुल रहा है गाड़ी, वहाँ पे दोनों चक्के धुल चुके हैं। अभी अपन जाके आए तो अभी वाला चक्का धुल रहा है, सामने वाला भी धुल रहा था भाई, पूरा धुलेगा मस्त आराम से। तो आप भी यार इतने देर बाद मैं फिर आ चुका हूँ बाइक को लेके, अभी धुलाने के बाद देखो कैसी लग रही है कमेंट में बताना। अब भी जो जस्ट आया हूँ मैं, और भी खाना खाने के बाद जो है वीडियो बनाना भूल गया था। यहाँ पर हमारी HF डीलर्स खड़ी है, बहुत पुरानी बाइक है, करीब करीब उसको 12 साल हो चुके होंगे यहाँ पर रहे। जब तक मेरा घर भी नहीं बना था, मैं बहुत छोटा था तब से ये वाली बाइक यहाँ पर है। और अब ये वाली इसको देखो यार, क्या चमक रही है। पर इसके जैसी बाइक कोई नहीं है यहाँ तक, इसके जैसी बाइक ही नहीं है यहाँ तक कि ये भी इसके जैसी बाइक नहीं हो सकती, ना ही बन पाएगी कभी ज़िंदगी में। लेकिन ये बाइक जो है अब देखो धुल गई है, कैसे लग रही है कमेंट बताना। और तेरी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ बुरा मत मान जाना बेटा। देखो अच्छा से चमक रहा है, सकते हो आप। और सोच रहा हूँ कि एक राइड लूँ, लेकिन जो है हेलमेट पे माउंट नहीं लगा है, इसलिए जो है राइड नहीं ले पा रहा हूँ मैं। तो क्या करूँ वही सोच रहा हूँ। आज के ये जो व्लॉग यहीं पर एंड कर दे क्या, छोटा सा व्लॉग था, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था गाड़ी धुलने का। उससे भी लोग अपने घर में अपने खाना खाने का भी व्लॉग बनाते हैं, तो मैं कम से कम गाड़ी धोने का बना दिया। तो हेट मत करना, सॉरी आप सभी लोगों को, कुछ उम्मीदें होंगी तो अगली बार जो है अच्छा सा व्लॉग बनाऊंगा। और किस टाइप का आपको व्लॉग चाहिए जरा जरूर कमेंट में बता देना। और इसके टॉप एंड और टॉप गियर देखेंगे कितने पे कितने जाती है और कितने पे कितनी भगती है ये वाली गाड़ी एक और व्लॉग में। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और अपना ख्याल रखें, और अभी देखो गंदा है गाड़ी, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो शूट होने के 2 दिन बाद, सॉरी।